केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुक्रवार को ICF के LHB शेड में उत्पादन के तहत कोचों का निरीक्षण करने के बाद ICF ने कहा कि भारतीय रेलवे अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए तैयार है। ICF ने कहा कि पहले दो प्रोटोटाइप रैक को अगस्त 2022 तक चालू करने की योजना है और भारतीय रेलवे अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत रैक तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ICF ने अपने एक बयान में कहा कि यह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महान उपलब्धि है और पैसेंजर ट्रेन सर्विस के आधुनिकीकरण में एक बेंचमार्क है। ICF LHB कोचों के उत्पादन में ऐसा बेंचमार्क हासिल करने वाली भारतीय रेलवे की पहली उत्पादन इकाई है। इस बातचीत के दौरान मंत्री वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के लिए एक गौरवपूर्ण परियोजना है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं विश्व स्तरीय इन कोचों के डिजाइन और विकास के लिए टीम ICF को बधाई देता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से भारत के सभी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, जो हम सभी के लिए एक सपना सच होने जैसा है। भारतीय रेलवे की बेहतरी के लिए पूरी तरह से नई तकनीकों के अनुकूल पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि कवच रोधी टक्कर सुरक्षा उपकरण, जो वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बों में भी लगाए जाएंगे।